तुम हमेशा सस्पेंसफुल एंट्री क्यों मारते हो? पहले ये चीज मुझे एक्सप्लेन कर दो यार। इसे कपड़ा लूंगा और इधर से पहन के निकल जाऊंगा। इधर से पहन के निकल जाऊंगा। वाह ये सही है, मैं तुम्हें बताती हूँ जो निकल जाऊंगा। दोनों? हाँ दोनों ले लो। दोनों तुम थाईलैंड आ गए? नहीं मालदीव्स। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे हम लोग रमजान में चेज वैल्यू आए। कलमा पढ़ लो बेटियों से भाई। अल्लाह मालिक। अब तुम क्या? आज थकन थी ना। इसलिए एड्रेस भूल गए। डेढ़ घंटे बाद लेकर आए इस रेस्टोरेंट पे। क्यों उदय बाइक चला के नहीं उड़ा कर लाए? दो बजे घर लाया तुम अल्लाह के बंदे। मुझे 600 रुपए का तुमने सिर्फ रुमाल लिया, 600 रुपए में उसे मेरी कुर्ती आ जाती पूरी अल्लाह के बंदे। और तुमने देखा मेरी पसंद है ना, फिर आखिर मेरी पसंद बुरी कैसे हो सकती है। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन गर्मी ने बुरा हाल किया है। फातिमा रुक जाइए बेटा, इतना पसीना आ रहा है ना कि मेरा बिल्कुल भी इंट्रो शूट करने को दिल नहीं कर रहा था। मेरी फातिमा को भी देख लीजिए भाई, ये कब से बोल रही है कि इन्हें वीडियो में आना है। बोल दो Assalamualaikum. गुड बेबी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कहीं आउटिंग पे। तुम हमेशा सस्पेंसफुल एंट्री क्यों मारते हो? पहले ये चीज मुझे एक्सप्लेन कर दो यार। बस एमी एमी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं अपने लिए कुछ कपड़े और शपड़े देखने के लिए। अगर कुछ पसंद आया तो ले भी लेंगे, क्योंकि उजैर को पसंद आ जाए ये तो नामुमकिन है। वैसे फिर भी मैं साथ जा रही हूँ पसंद करवाने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। यस ऑफ कोर्स, हर बार की तरह ले देगी उजैर, तुम मुझे चेस वैल्यू ही ले पहुंचे। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलती है जाने के लिए? मैं इधर ही से कपड़ा लूंगा और इधर ही से पहन के निकल जाऊंगा। इधर से पहन के निकल जाऊंगा। वाह ये सही है, मैं तुम्हें बताती हूँ जो निकल जाऊंगा। तुम्हारा कपड़ा तो इस दफा चोरी में रखूंगी, नया कपड़ा लेती बस इसको फौरन से पहन। हाँ उतरो फातिमा, छोड़ दो इसको बैठे रहने। चलो हम लोग चलते हैं, चलो बैठे रहो। आप बैठे रहो। मैंने क्या लेना चाह रहे हो तुम? तुम्हें कुछ पसंद आएगा अभी या नहीं? हाँ तुम्हें कुछ पसंद आएगा आज के दिन में या नहीं? मुझे तो नहीं लगता, वो वाला ले लो अच्छा लग रहा है। दोनों? हाँ दोनों ले लो, दोनों को अच्छा लग रहा है। उजैर इसको पहन के लगेगा तुम थाईलैंड में आ गए। पहन के लग रहा है तुम थाईलैंड आ गए, नहीं मालदीव्स। ए मेरी बाबू को सब ने ट्रॉली पकड़ने वाला बना दिया, थोड़ा बाबा। ट्रायल चल रहा है। परफेक्ट। हाँ भाई हो गई शॉपिंग? हाँ शॉपिंग हो गई। हाय तो आई शॉपिंग। शॉपिंग स्टार्ट हो गई। वो भी ईद की शॉपिंग है। चलो बस अब चलते हैं, बहुत थकते हैं। कुछ खाना है? चलो घर। लोग शॉपिंग करने से पहले एटीएम जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करने के बाद एटीएम जा रहे हैं। क्या लॉजिक है उधर तुम्हारा? तुम्हारे सारे लॉजिक उल्टे हैं। फातिमा बोलो बाबा साहब उल्टा उल्टा करते हैं। बोलो, ये बोलती है बाबा साहब उल्टा उल्टा करते हैं। हाँ भाई लोगों की शॉपिंग होगी तब लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, लोग कोई आंसर भी नहीं दे रहे हैं। मेरा जहन अभी यहाँ है, मतलब इंसल्ट करने को भी मौका नहीं छोड़ता ये बंदा मेरी। ट्राई अगेन। ये है पाकिस्तानी एटीएम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अल्लाह का नाम ले लो, क्योंकि अब बाहर जा रहे हैं। ये कराची है या कुछ भी हो सकता है। अल्लाह मालिक है। चलो जल्दी से कलमा पढ़ लो, बेटियों से बाहर अल्लाह मालिक। अब तुम क्या कर रहे हो? बैलेंस चेक कर रहा हूं। ओह मुझे नहीं दिखाओगे? हम लोगों ने सोचा था नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट, डायरेक्ट घर चले जाएंगे, लेकिन उजैर के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? और हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट का स्टॉप क्लब। पहले फातिमा को मिला है। अरे फातिमा का तो पता नहीं फेस रिएक्शन तो देखो। फातिमा क्या हुआ? फातिमा खाली स्पून मुंह में डाल रही है आप तो।
हर बार की तरह सेम ऑर्डर बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस रेस्टोरेंट कितनी बार आए फिर भी आज तुमने यहाँ मुझे लाने में ना पूरा 1.5 घंटा लगा दिया, 3-4 कट काट के, फिर मैप पे एड्रेस देख कर फिर आए, ऐसा क्यों यार? आज थकन थी ना, इसलिए एड्रेस भूल गए। 1.5 घंटे बाद लेकर आए इस रेस्टोरेंट पे। आज तो तुमने यहाँ पे लाते लाते भूख का ना डबल कर दिया दुरानिया। पेट भर गया लेकिन फातिमा सुस्त हो गई है बहुत। हाँ बस उठी हुई ना, स्कूल गई थी इसी वजह से। रात के 2 बजने वाले हैं। और आज हम लोगों ने सहरी बाहर की है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो हाँ ऐसे इसके बाद ऐसे ही है ना, अब थोड़ी लगेगी होगी सहरी के लिए, जगह नहीं होगी पेट में, ये बात है। सहरी बाहर ही अब ये है कि हल्का फुल्का खा के हम लोग रोजा रख लेंगे इंशाल्लाह। हम लोग घर आ चुके हैं और इस वक्त हालत नासाज है क्योंकि उजैर बाइक चला के नहीं उड़ा कर लाया है। दो बजे घर लाया तुम, अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह तौबा तौबा, 2 बजे हम लोग घर आए हैं। अब जल्दी जल्दी दिखा दो तुम लाए क्या, रुको मुझे बैक कैमरा करने दो। सबसे पहली है ये शर्ट, ये है किसकी पसंद की उजैर, जल्दी से बता। रानी। ये मैंने पसंद किया है कलर, कैसा कलर लग रहा है जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ये भी रानी की पसंद, ये भी मैंने पसंद किया है, ये इसके साथ पहनने के लिए ठीक है। ये हो गई जीन्स, ये मैंने पसंद किया है, ये उजैर ने पसंद किया। हाँ ये उजैर ने ये पसंद तो किया वीडियो में, हाँ ये तो वीडियो में देख ही चुके होंगे। ये उजैर ने पसंद किया है। अच्छा ये सब एमनेट्स का है, ये चीज का अपना ब्रांड है। अच्छा ये भी एमनेट्स का है। अच्छा ये भी उजैर ने पसंद किया ठीक है, ये भी उजैर ने पसंद किया है। ये रानी ने पसंद, ये मैंने पसंद किया ये। अच्छा ये ब्लैक नहीं है, फिर आप लोग बोलेंगे रानी ने दोबारा ब्लैक पसंद कर दी, ये ब्लैक नहीं है, ये हल्का सा इसमें ग्रीन का टच है, ये ब्लैक कलर नहीं है। ये बनियाइन, एक सॉक्स एंड रुमाल। स्टाइल चेक करो बंदे का फेंकने का। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं, इस रुमाल में हीरे मोती जड़े हुए हैं क्या, जो 300 रुपए का एक रुमाल, इतने में मामा अभी देख के बोलेंगे उजैर में तुम्हें 8 रुमाल ला देती। क्वालिटी अच्छी रानी, हाँ सॉफ्ट है बहुत, और साइज भी बड़ा है, और कितना हल्का है कपड़ा देखो। तभी 300 का एक रुमाल उजैर तुमने लिया, मतलब ये 600 रुपए का तुमने सिर्फ रुमाल लिया, 600 रुपए में उजैर मेरी कुर्ती आ जाती पूरी अल्लाह के बंदे, और तुमने ये छोटे छोटे से रुमाल लिए हैं यार। साल में एक दफा तो मैं अच्छा रुमाल लेता हूँ। हाँ ये बात तो है वैसे, इस दफा लेकिन उजैर को तहजीब की बनियान नहीं मिली जो उजैर हर बार लेता है। ये भी अच्छी है। तो ये अभी वैसे उजैर की कंप्लीट शॉपिंग नहीं थी, लेकिन इसको भी करने में यार सिर्फ हम लोगों ने इतना सा खरीदा है, इतना महंगा ला ला ला। अब सिर्फ शूज लेना है और जींस लेना है और टी शर्ट्स, टी शर्ट्स नहीं है ना, टी शर्ट लेना है। 1, 2 और 3 शर्ट्स आई हैं सिर्फ। अच्छा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आपको इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। उजैर तुम बताओ कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है अभी इस वक्त तीनों में से। देखा मेरी पसंद है ना, फिर आखिर मेरी पसंद बुरी कैसे हो सकती है। चलो अब यहाँ पे ब्लॉग को करते हैं एंड। हम लोगों की हालत हो गई बहुत खराब और अभी आ रही है नींद भी बहुत ज्यादा वाली नींद आ रही है। लस्सी लेकर आया हूँ, सहरी में लस्सी, सहरी में लस्सी पीएंगे यार। ये तो एक लस्सी है, तुम मना कर दी, तुमसे पूछा तो था। ये तो बुरा है।